तो आज का हमारा टॉपिक होगा कार्बनिक समूह का संरचना। अच्छा, आप सबको कार्बनिक समूह के बारे में कल हमने बात किया था। किसे कहते हैं कार्बनिक समूह? कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में CO आया हो, हाँसी के साथ डबल बॉन्ड हो जुड़ा होगा, तो उसको कार्बनिल समूह कहते हैं। क्योंकि आप एल्डिहाइड भी लिखते हैं तो उसमें CHO आता है तो C के साथ डबल बॉन्ड O होता है। कीटोन भी होता है तो C के साथ डबल बॉन्ड O होता है। कार्बोक्सिलिक भी होगा तो C के साथ डबल बॉन्ड O तो फिर OH होता। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में अगर आपके पास कार्बनिल समूह उपस्थित है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं CO अगर उपस्थित है तो कार्बनिल समूह कहते हैं। आज हम इसकी संरचना की बात करेंगे। आज हम इसकी किसकी बात करेंगे? संरचना की, कि जो कार्बनिल समूह है इसकी संरचना कैसी होती है। समझ रहे हैं? जब भी आपसे पूछा जाएगा तो तुरंत बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप इसको बता सकते हैं। तो कार्बनिल समूह के बारे में लिखाने की जरूरत है? बोलिए तो लिख लो तनी थोड़ा सा, कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में CO उपस्थित हो, CO उपस्थित हो तो उसे कार्बनिल यौगिक कहते हैं। कार्बनिल यौगिक, देखो थोड़ा सा मैं आपको संरचना बना रहा हूं। कैसे कैसे आप संरचना बनाएंगे सब लोग सीखो। कार्बनिल, कार्बनिल का मतलब क्या होता है? उसमें CO आना चाहिए। क्या आना चाहिए? CO आना चाहिए। ध्यान रखना सब लोग, उसमें CO उपस्थित होना चाहिए। मान लो कि हमारे पास क्या है? C है, ठीक है, हमारे पास C है और C के साथ मान लो O जुड़ा है। क्या जुड़ा है? मान लो O है, चलो समझा देते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है? तो अगर मैं कहूं कि एक तो ये हो रहा है, एक C के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, तो इसके साथ इसका मतलब होता है कि इसके साथ जो होंगे डबल H जुड़े होंगे, ठीक, ये वाला चलो डबल H को बना। तो ये बताओ सब लोग, कौन कौन बॉन्ड इसमें उपस्थित है? एक संरचना दिखा देंगे कौन कौन बॉन्ड उपस्थित है। अच्छा पढ़े हो ना सिग्मा और पाई, तो आज एक चीज जरूर याद रखना, एक अगर कहीं बॉन्ड दिखाई दे एक सिग्मा, और दो अगर दिखाई दे तो सिग्मा और पाई, और अगर तीन दिखाई दे तो एक सिग्मा दो पाई। तो इसको अगर देखोगे तो क्या होगा? सिग्मा होगा, सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा ऊपर अलग सोच रहे सर, उसका ऊपर अलग पाई नहीं मान सकते, जिसको मन को उसके माने, डबल एक सिग्मा है तो एक नीचे वाला पाई माने, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई, ठीक। भैया अकेले है तो सिग्मा कहेंगे, भैया अकेले है तो इसको सिग्मा। अब सोच के बताओ सब लोग, कितने सिग्मा इसके साथ हो रहे हैं? तो बताओ यहाँ कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? sp2। अच्छा टू क्यों लिखे ना, तीन हो रहे थे, दो को पी है, वही अस्तिन हो जाए, संकरण तो बहुत पड़ेगा। ता पहले तो जान जाओ कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन का जुड़ा है और ऑक्सीजन का मान, ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, बाकी जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं चाहे कुछ भी यहाँ पर जुड़े, CH3 भी जुटेगा तभी उसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड होता है। और हम देखते हैं कि
तीन। अच्छा पाई कौन हो, पाई बन को कभी संख्या में नहीं काउंटिंग किया जाता, नहीं गिना जाता, खाली सिग्मा का गिना जाता है। सिग्मा तीन हो रहे हैं तो ये एस पी टू संकरण आप कहेंगे इसमें, ठीक है। तो लिखो तो नहीं कुछ इसमें, जरूर आप यहाँ देखेंगे सब लोग बोलने वाले आपकी बात कर रहे तो बुला जाएंगे आप। बोलो सब भी जो कोण बनता है ना 120 डिग्री का कोण बनता है, देखो यहाँ इधर आप सब बनाते हैं, देखो इस तरीके से मान लो कोई कुछ भी जुड़ा हो और यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो देख रहे हो 120 डिग्री का कोण बनेगा, यह भी आपका 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और ये भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 120 डिग्री का, ठीक है। तो लिखो पहले कि जब पहला नंबर करके लिख लेना कि जब कार्बन से ऑक्सीजन द्विबंध के साथ जुड़ा हो, द्विबंध के साथ जुड़ा हो तो उसमें एक सिग्मा बंद तथा एक पाई बंद होता है, तो उसमें एक सिग्मा बंद तथा एक पाई बंद होता है। कुल कार्बन के पास तीन सिग्मा बंद होते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊपर लिख रहे हैं जिसके फलस्वरूप इसमें sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता तथा सी और सी का मतलब कार्बन ओ के बीच में, सी और ओ के बीच में 120 डिग्री का कोण बनता है। और सी और एच के बीच में भी एक 120 डिग्री का कोण है, देख रहे हो ना दोनों एच के बीच में, चलो चित्र बना लो, दो चित्र बना लो, एक वो बना लो और एक ये बना रहे हैं इसको बना लो। सी है डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा, इसको पाई, ये भी सिग्मा, तो ये कार्बोनिल अम्ल की संरचना है, इसी को हम लोग कहते हैं। जब भी आपसे पूछे कि कार्बोनिल अम्ल क्या होता है तो आप तुरंत बताने का प्रयास करेंगे कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में CO उपस्थित हो तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल समूह। याद कर ले बोले राम, कार्बोनिल समूह CO, CO अपन के CO तो नहीं बन भी जाओ, वो दिन दूर नहीं, ब्लड को समय को बदलने में टाइम नहीं लगता है, सब आपको याद हो जाएगा एक दिन, देखना सारा क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, मैं इंतजार करो कब वो समय आए। बाल तभी जम जाएगा ना, प्रत्यारोपण करके दांत अभी लग जाएगा, हड्डी टूट जाएगा अभी लग जाएगा, हड्डी टूट सकला लेकिन बाल ना जम, लेकिन भाई कहाँ से आएगा, किताब में से। चलो दिखा के लो सबके क्या संरचना बना लेते, अब लिखो एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोनों का विरचन निर्माण करना,
एल्डिहाइड और कीटोनों का विरेचन निर्माण का। सब लोग अगला हेडिंग बना लो, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करो। एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण करो। कुछ याद आ रहा है? पहले आपका लिखा गया किताब में आप देख रहे होंगे एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अच्छा, एल्कोहल याद है ना सबको? बोलो, एल्कोहल सबको याद है क्या बाबू? एल्कोहल का मतलब होता है उसमें ओ एच आना चाहिए, बस सिंपल सी बात। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है उसमें एच निकलना चाहिए, ओ झूठना चाहिए, उसी का ऑक्सीकरण कहते हैं। तो पहला आपका हेडिंग यही बनाया गया है ना, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो हेडिंग बना लो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से सब लोग याद करो, जरा सोचो हम ऑक्सीकरण की बात करेंगे। अच्छा, CH3OH लिख सकते हैं क्या? नहीं, कम से कम दो कार्बन चाहिए तभी बन पाएगा। एक ऐसे बन जाए फॉर्मल्डिहाइड बना लोगे, लेकिन टोन खाती तो तीन को चाहिए कम से कम। तो है ना CH3 यानी CH3 बीच में CO। तो अगर मैं कहूँ, जो भी कहे, मान लो एल्कोहलों का मतलब एल्कोहल होना चाहिए और ऑक्सीकरण का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए जो बनेगा और हाइड्रोजन कम होना चाहिए। अगर हम मान लो ले लें CH3CH2OH, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल से एसिटिल डिहाइड बनाइए या एथेनॉल बनाइए, तो ये कहे के का सूत्र हो? ये अल्कोहल का है ना, क्यों है पंडित जी बताएंगे। हाँ, हो अच्छा है, अच्छी है। आज लड़की दान पान भी करके जाएगी, दिसंबर के महीने में सब लोग दान करते हैं ना, जनवरी के महीने में। तो 5 तारीख के पहले मैंने दान करोगे तो ज्यादा पूर्ण तुम लोग को मिलेगा। दान करके जाना है ना, कहाँ? कल दान करोगे। लो, ये कौन दान है? हाँ, तो एथेनॉल हो गया। चलो, का एथेनॉल लिखाई ला पंडित जी, कहा एथेनॉल लिखनी है? दो कार्बन बन। अब हम लोग देखो कैसे बनाएंगे। बनाना कहा है बाबू? बनाना कहा है? बनाना कहा है? क्या बनाना है? ये बनाना, बनाना है कि नहीं बनाना? बोलो, ऑक्सीकरण जब आएगा तो वो उपस्थित करा। अच्छा, कैसे बन गया? यहाँ से यह छाई लेकर के चला जाएगा, गो आउट, बनेगा सी और तब आपका होगा एच ओ। देखो, एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? क्यों आपका आंसर ऑक्सीकरण हुआ? क्योंकि देखो इसमें हाइड्रोजन कम हो गया है, यहाँ हाइड्रोजन अधिक था ना, दो ये तो निकल गया है ना, और यहाँ पर देखो 3 × 4 हो रहा है, यहाँ पर 3 × 2 = 5, 5 × 6 था, इसलिए ऑक्सीकरण कर रहे हैं। ऑक्सीकरण दो, एक तो होता है कि ऑक्सीजन आके जुट गया, दूसरा क्या होता है कि हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल गया और आपने एथेनॉल बना लिया। क्या बनाया है बाबू? एथेन लिख करके इसमें AL जोड़ देंगे तो एथेनॉल बनेगा। देखो सब सीखे कि नहीं सीखे, बताओ। एथेनॉल बना, तो पहला तो कम्प्लीट हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि CH3OH से आपको बनाना है, क्या बनाना है? क्या बनाना है बाबू आपको बनाना है? देखो, इसका क्या नाम होगा बताओ? क्या बात है, कोई नहीं है टक्कर में तुम लोग का पढ़ाई की जान जाना मेथनॉल। कहे तुम गाली दिए भाई, तो सुधार कर लिए ना से, आप बोलने का मौका नहीं देगा कभी। बोलो, हाँ ना बोले नहीं, मैंने यही करें, बोलने का मौका नहीं ना देगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसको पूरा बताओगे। बोला, अब का हुई हो भाई? दो को यच निकली तो एगो यच अगवा आ जाए, जाओ दिखा देना। हाँ, यच को अगवा निकल गई तो ये दो को हैकर साथ सब गायब हो गई,
खाली है बचल बा सी एच एक का नाम है हाँ ये ध्यान रखना फॉर्मल डिहाइड कहते हैं फॉर्मल एक और इसका नाम क्या होगा मेथेन लिख करके एल जोड़ते उसी तरीके से आपसे कोई कहा का कहा ये दीदी तेरा क्या हो गया सुना है जीजा जी फिल्मी है CH3CH2CH2OH इसका भी ऑक्सीकरण कराना क्या होगा क्या होगा दुगो हाइड्रोजन हटा दे ये वाला और क्या हट जाए तो बनेगा का CH3CH2CHO देखो ये हटा दो अच्छा इससे क्या नाम है बताओ प्रोपेनॉल जोड़ेंगे इसका क्या नाम होगा प्रोपेनॉल प्रोपे क्या आपको समझ में आया सब नोट कर लो इसको खाली अच्छे निकल देंगे अच्छा ये बताओ कीटोन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको सीओ चाहिए ना बीच में वही कीटोन आपका होता है जैसा अगर मैं कीटोन बनाने के लिए कहूँ अच्छा ये बताओ सब लोग इसका है कि क्या नाम होगा हाँ डाइमिथिल कीटोन या आरटीसी नाम लिखेंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा या इसका नाम अगर लिखना होगा तो ब्यूटेनोन हो जाएगा यही कीटोन है यही आपको बनाना है लेकिन देखिए कम से कम देखिए सबसे छोटा यही है एसीटोन इससे छोटा और नहीं हो सकता तो मैंने बनाने के लिए कम से कम आपको 3 कार्बन चाहिए एल्कोहल का या 4 कह सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं चाहिए आप हाँ कुछ और यौगिक मिलाएंगे तब कार्बन उसमें होगा तो बन सकता है लेकिन सिंपली अगर बात करें यहाँ पर सुनो ध्यान से सब लोग कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर प्रोपेनॉल से कोई कहा बनाने के लिए कीटोन बनाना है बाबू कीटोन बनाना है एक इसका क्या नाम होगा प्रोपेनॉल ऑक्सीकरण होगा ना जी ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा यच बाहर निकलना चाहिए तो देखो होगा कहाँ है यच बाहर निकल जाएगा ओके साहब बात समझ रहे हो और क्या बनेगा देखो ये बच्चा है तो CH3 लिख लो सिंगल बॉन्ड एक सी है तो इसको लिख लो आई ओ है तो ओ लिख लो सिंगल बॉन्ड है CH2 है और एक यच यहाँ पर बच्चा है तो CH3 देखो बन बस H2 यहाँ से निकाल देना है बस ये वाला हिस्सा बाकी CH3 जैसा बच्चा वैसे लिखो हाई एच निकल जाएगा ये वाला वैसे छोड़ो वो जल बन के बाहर निकल जाएगा उसको दिखाने ये निकल गया मान लो ये वाला हिस्सा निकल गया तो ये ओ इसके साथ आ गया सी और ये CH2 है एक एच इसके साथ आ गया CH3 है क्या नाम होगा प्रोपेनॉल ओयल है इसका प्रोपेनोन कीटोन है ना कीटोन सी है तो कीटोन है इसलिए ओयल नहीं जोड़ता अच्छा इसका नाम बोलो CH3 CH2 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 मौसम बहुत खराब हो गया ना जी लेकिन पढ़ने वाले यही मौसम मेरा जाए बस सूत जा आप बैठ के बायोलॉजी का PDF बना लिए तो सब सुतत रही दावत रही दावे के सेव पढ़ने दला को डिलीट पूरा और ग्रामर इतना मैंने बस 5 घंटा बनाई होकर आगे तो बढ़िया से दाब दाब के खराब करके खाली सेब पर दाबे के डिले पे हाथ में चल गए पूरा दबा दो पूरा आके में उड़ गए वो दुबे मने ना आगे के में उड़ गया कौन हाई उड़ाव के वजह से कौन फाइल अगर उड़ाव को तब डबल करना तो चलो हाँ का नाम क्या होगा ब्यूटेन लिख करके ओयल जोड़ दो ब्यूटेना आई में कहा ये कोना निकाल दे चलो मान लो कि एक निकाल दे से निकल गई तो कहा बनी अच्छा कुछ सीख रहे हो बताओ हम बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं कि आप लोग तो सीखिए हम खाली लिख देंगे तो कोनो मजा ना मजा तो भाई जब हाइड्रोजन के निकाला जाए आज कितना लोग तो पहला बार जान लो ये ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन निकलना ये ऑक्सीजन को जुटा देंगे ऑक्सीजन लेकिन हाइड्रोजन निकल जाए तब ऑक्सीकरण तो कहा होगा CH3 CH2 साथ आ जाए ना कसी हो हाई यच एक साथ चल जाए हैकर नाम लिख सकल 1 2 3 4 तो ब्यूटेन लिख के ठीक बा 2 लिख के ओ यानी चो
या ब्यूटेन टू भी लिख सकते हैं या टू ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लो, नोट हो गया आपका बेटा, समझ रहे थे? बी हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन को बाहर निकालना, एक अंग्रेजी में डाई हाइड्रोजन कहते हैं, ये याद रखें। बी हाइड्रोजन का मतलब होता है, बी हाइड्रोजनन का मतलब होता है हाइड्रोजन को क्या करना, सेम वे रिएक्शनवा लिखाएगा, लेकिन थोड़ा सा बात बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि एल्कोहल लेते हैं या और एल्कोहल लेते हैं, वाष्पशील एल्कोहल लेते हैं, और उसको कापर जो उत्प्रेरक होता है कापर धातु उसके ऊपर डालते हैं। जब उसके ऊपर डालते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। तो पहले जाने नू पहले तो हेडिंग बनाओ एल्कोहलों के बी हाइड्रोजनन से दूसरा रिएक्शन, देखो किताब में नहीं लिखा है ना जी, एल्कोहलों के बी हाइड्रोजनन से, एल्कोहलों के बी हाइड्रोजनन से। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें जो होता है ना हाइड्रोजन क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल। तो लिख लो सब लोग, लिखो कि जब एल्कोहल को कापर उत्प्रेरक लिखे ना कोष्टक में, उत्प्रेरक कोष्टक में कापर के ऊपर डालते हैं, ऊपर डालते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो इस क्रिया को बी हाइड्रोजनन कहते हैं, बी हाइड्रोजनन कहते हैं। जाने नो तथा आगे का तथा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है, तथा एल्डिहाइड और किताब रखे अंग्रेजी सेकेंड का जी एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण लिख लो सब लोग, रिएक्शन लिख लो। मान लो आपके पास CH3 है, CH2 है, ये CH2 है, OH है, और आपने क्या किया कापर उत्प्रेरक लिया, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन बाहर ही निकलेगा, H2 निकलेगा ना जी। अच्छा मान लो ये मत निकालो, ये वाला निकाल लो, तो क्या बनेगा CH3 CH2 लिख लो ये वाला, और फिर ये सी बचा है CHO हो जाएगा, CHO हाइड्रोजन बाहर निकल गया H2। तो देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन है ना। अच्छा O और H को तो काउंटिंग नहीं करना, केवल काउंटिंग कार्बन को करना, तो प्रोपेनाइल हो जाएगा, प्रोपेनाल हो गई, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेनाइल। ठीक, एक यहाँ पर देख रहे हैं CH3 CH2 CH2 OH, इसका भी कापर की उपस्थिति में क्रिया कराओ तो यहाँ से भी हाइड्रोजन का निष्कासन होगा और बनेगा CH3 CO CO आ जाएगा, और फिर आपका CH3 किसका नाम होगा प्रोपेनॉल, इसका नाम होगा प्रोपेनोन, प्रोपे नोट कर ले इसको सब लोग, प्रोपेनोन। कल इस कायदे में पढ़ाऊंगा आपको कैसे आप एल्कोहलों के एल्काइनों के जलयोजन से बनाएंगे, आप एसिल क्लोराइड से बनाएंगे, नाइट्राइल एस्टर से कैसे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, ईटाड अभिक्रिया का होता है क्रोमियम ऑक्साइड से आप कैसे बनाएंगे, कल इसका आगे बढ़ाएंगे। कुछ पूछना है राजकुमार बाबू आपको?